इस समय ये सीईओ है, सीईओ एपेक एंड चेयरमैन इंडिया है डेंसू एजेस नेटवर्क के. ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द डेंसू एजेस नेटवर्क ग्लोबल एग्जीक्यूटिव टीम. इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मीडिया वेटरन. इन्होंने अपना करियर 1988 में लिंटास से शुरू किया था और मीडिया इंडस्ट्री के जो कुछ लेजेंड्स हैं एडवर्टाइजिंग के, अलक पदमसी साहब उनके साथ और सोनू सेन साहब के साथ इन्होंने हैंड टू हैंड काम किया है. तो मैं इनका स्वागत करता हूं और इन्हें बुलाता हूं कि अपने विचार हमारे सामने प्रकट करें. ओवर टू आशीष साहब. Thank you, Singh Saab. Thank you for the introduction and thank you for inviting me. Today, I speak to you at a time जो एक बहुत ही एक तरह से crisis का time है. मैंने अपने 32-33 साल के करियर में कम से कम चार बड़े slowdowns देखे हैं, including 2008-2009 में जो financial crisis हुआ था. But I think ये कहना ठीक होगा कि इस scale का, इस type का crisis शायद दो जनरेशन में हमने कभी नहीं देखा. ये तो ऐसी हालत है जो आपके पिताजी या ग्रैंडफादर आपको बताते थे कि वॉर के दिनों में क्या होता था, खाना नहीं मिलता था, कैसे लाइफ की डेंजर था. तो ये हमारी पिछली दो जनरेशन से जो वर्किंग लाइफ की दो जनरेशन है, शायद किसी ने ये देखा नहीं हो इस सिवेरिटी का. क्योंकि हर बार जब क्राइसिस होता है, इवन जब ग्लोबल क्राइसिस हुआ था तो दुनिया में रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में बहुत बड़े इम्पैक्ट हुआ था, पर इंडिया में ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गई थी, पर फिर भी ग्रोथ हो रही थी 2-3% की. तो अलग अलग जगह में, देशों में अलग अलग तरह का असर था. बट ये एक ऐसी चीज़ है कि आप चाहे कहीं पे भी चले जाइए दुनिया की 200 नेशंस में, हर जगह पे इसका इम्पैक्ट है. और ये केवल एक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, ये एक हेल्थ क्राइसिस है. और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बिजनेस में तो होगा ही होगा, बट एज अ कंज्यूमर, एज अ लेमैन, एज एन इंडिविजुअल आपके जो लाइफ है आगे जाके, वो भी काफ़ी अरसे तक और हो सकता है परमानेंटली भी कई चीज़ें हमेशा के लिए चेंज हो जाएंगी. इसलिए ये एक बहुत ही यूनिक किस्म के क्राइसिस हमारे ऊपर आया है जिसका किसी को एक्सपीरियंस नहीं है. एक्सपर्ट बनने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं, बट रियलिटी ये है, इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी में मुझे ये लगता है रियलिटी ये है कि एक्चुअली किसी को पूरा एक्सपीरियंस नहीं है ऐसी चीज़ को हैंडल करने का. इवन जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो भी एक तरह से ट्रायल एंड एरर के मोड में चल रहे हैं. बट जो भी है, ये रियलिटी है, ये हमारे सामने है और ये कोई जल्दी दूर होने वाली चीज़ नहीं है. इसलिए हमें इसे अभी समझना पड़ेगा और बेहतर, और इसको कैसे हैंडल करना है वो देखना पड़ेगा. अगर आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का इम्पैक्ट देखिए तो बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है. अब मैं, क्योंकि मैं एशिया पैसिफिक देखता हूँ, ये सबसे पहले मैंने चीन में देखा था, क्योंकि जो हमारा चीन के ऑफिस थे वो चाइनीज़ न्यू ईयर से पहले ही, आप समझिए 2nd-3rd week January से ही बंद होने शुरू हो गए थे. हमारा जो वुहान का ऑफिस है वो तो अभी खुला है. बट आप आयरनी इसमें ये देखिए कि इस वक्त एशिया पैसिफिक में जो हमारे ऑफिस खुले हुए हैं वो सिर्फ चीन में ही है. तो एक अब वुहान का ऑफिस भी खुल गया है. तो ये एक तरह से एक फेज चल रही है. कई कंट्रीज उसमें पहले इम्पैक्ट हुए थे, कई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए, कई बाद में इम्पैक्ट हुए, कई कई जगह पे अभी डर लग रहा है कि दूसरी बार तो नहीं आ रहा. सिंगापुर ने बहुत अच्छी तरह जैसे पहले कंट्रोल किया हुआ था, पर अब लग रहा है कि फिर से उभर के आ रहे हैं केसेस. साउथ कोरिया ने एक तरह से एलिमिनेट कर दिया था, पर अब वहाँ पर भी उभर रहे हैं. तो पूरी वर्ल्ड की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है वो इसको समझने की कोशिश कर रही है. एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि एडवर्टाइजिंग जो होती है, पर्टिकुलरली इंडिया में, क्योंकि इंडिया में एडवर्टाइजिंग बहुत सेंटिमेंट ड्रिवन होती है. हम इतने साइंटिफिक नहीं हैं जितने हम बनते हैं. अगर मूड अच्छा है, नेशन में पॉजिटिविटी है, तो लोग रिस्क लेने को तैयार होते हैं. तो बहुत ही एक सेंटिमेंट ड्रिवन चीज़ होती है. इस वक्त सेंटिमेंट काफ़ी इम्पैक्टेड है इसकी वजह, और लोगों को एक ये लग रहा है कि फर्ज कर लो अभी 18 मई को सब कुछ खुल जाएगा, तो कोई एक ऐसा नहीं है कि एक स्विच ऑन हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा. क्योंकि अभी कोई उसे मेरे किसी कार बनाने कंपनी के बहुत बड़े सीईओ से बात हो रही थी, लीडिंग वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज के सीईओज हैं, तो वो बता रहे थे कि अगर मैं फर्ज कर लो कि 18 मई को सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, गवर्नमेंट सब रिस्ट्रिक्शन हटा देती है, सब कुछ खुल जाता है, फिर भी जो मेरी फरवरी में प्रोडक्शन थी
जो इन एनी केस बहुत कम थी क्योंकि एक तरह से स्लो डाउन पहले से ही चल रहा था, वहां तक होने में मुझे कम से कम 4 से 6 महीने लगेंगे। लेबर मेरी गांव चली गई है, वो वापस आएगी, रॉ मटेरियल वाले जो हैं उनकी साइकिल टूटी हुई है, और सबसे बड़ी दिक्कत जो एडवर्टाइजिंग को होने वाली है वो लिक्विडिटी की है। इस वक्त हर एक इंसान, कोई भी चाहे क्लाइंट हो कोई भी हो, वो कैश को कंजर्व करना चाहता है क्योंकि ये एक अनसर्टेनिटी का पीरियड है। अभी कैश एक ऐसी चीज़ है, लिक्विडिटी एक ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमी का भी लुब्रिकेंट होती है और एडवर्टाइजिंग का भी लुब्रिकेंट होती है, और क्योंकि एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस काटना सबसे क्विकेस्ट चीज होती है क्लाइंट के लिए। तो वो एक एक तरह से एक फोन कॉल किया और उनका खर्चा बंद हो गया। अगर आप अपनी लेबर को हटाएंगे, लोगों को हटाएंगे, फैक्ट्री बंद करेंगे, कुछ करेंगे, तो उसमें बहुत प्रोसेस होता है, मुश्किल होता है। एडवर्टाइजिंग बंद करना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है लिक्विडिटी की वजह से। और अब ये जब खुलना शुरू भी होगा, मुझे सबसे बड़ी जो दिक्कत लगती है वो एक्चुअली लिक्विडिटी की लगती है, क्योंकि अगर क्लाइंट जो खोलेगा, पहले तो वो प्रोडक्शन शुरू ही पूरी तब करेगा कि जब आगे ऑफटेक हो। अगर कारें बिकेंगी ही नहीं तो वो क्यों बना के अपने गोदामों में रखेगा। अगर आगे ऑफटेक हो, वो ऑफटेक हो और उसके पास पैसा आना शुरू हो तो वो और मैन्युफैक्चर करेगा। जब तक वो पूरी साइकिल चलेगी नहीं, वो एडवर्टाइजिंग में, क्योंकि सेंटिमेंट ड्रिवन जो है वो बहुत टाइट रखेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल डूम एंड ग्लूम है। एक सबसे बड़ी सिल्वर लाइनिंग जो मुझे दिखती है, एक हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं इंडिया में, वो रूरल का इम्पैक्ट, तो जो एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट जीडीपी के हिसाब से अगर आप देखें तो 20-22% जीडीपी हमारी रूरल से आती है, पर अगर आप असलियत में देखें तो 55-65% लोगों का रोजगार जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अगर हो सकता है कि वो खुद शहर में काम कर रहा हो पर उसके फैमिली होगी जो खेती कर रही होगी एक्सेट्रा, तो इसलिए हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। और आज 70-75 साल बाद भी आज़ादी के, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, हमारा एग्रीकल्चर काफ़ी इरीगेशन पे डिपेंडेंट है जो मॉनसून पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए मॉनसून बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अभी तक जो इंडिकेशन आ रही हैं IMD से या जो भी वेदर के एक्सपर्ट्स हैं कि मॉनसून लग रहा है कि नॉर्मल होगी और लग रहा है कि टाइम पे होगी। अगर ये हो जाता है, टाइम पे हो जाती है, तो मेरे हिसाब से दिवाली के आसपास तक थोड़ी सी नॉर्मलसी आनी शुरू होगी, बट अगले 4 से 6 महीने तो काफ़ी डिफिकल्ट होंगे। अब इस क्वार्टर में आप देख लीजिए, अप्रैल तो लगभग वाइपआउट ही हो गया, मई भी लगभग वाइपआउट ही हो गया जब तक वो शुरू होगा, जून में अगर शुरू हुआ तो थोड़ा बहुत शुरू होगा, तो ऑलरेडी ये क्वार्टर तो पूरा गया, अगला क्वार्टर भी स्लो होगा क्योंकि वैसे ही मानसून में एडवर्टाइजिंग का बिजनेस स्लो होता है, एडवर्टाइजिंग, एंटरटेनमेंट सब। और इसलिए लकी अगर हम रहे, सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव हुआ थोड़ा, तो दिवाली तक आप अपटिक देखेंगे, नहीं तो ये पूरा कैलेंडर ईयर एक तरह से गया। हर मीडिया इसको डिफरेंटली लेगा। जनरली ओवरऑल एडवर्टाइजिंग अगर आप देखें तो हर इंडस्ट्री का, हर एजेंसी का जो अनुमान था साल के बिगनिंग में, इंक्लूडिंग डेंसो एजेंस नेटवर्क का, 11-12% ग्रोथ के आसपास, हमारा ले लो, WPP का ले लो, मेडिसिन का ले लो, कोई बोल रहा था 11%, कोई बोल रहा था 12%, तो 11-12% के हिसाब से सबका अनुमान था इस साल में ग्रोथ होगी। मेरे हिसाब से एक्चुअली 0 या नेगेटिव ग्रोथ होगी इस साल। तो अगर आप स्विंग देखें तो 15-20% का स्विंग है, बजाय पॉजिटिव 11-12% होने के मे बी नेगेटिव 7-8% हो सकता है, तो 20% का स्विंग है। 20% 75,000 करोड़ की इंडस्ट्री पे अगर आप लगा लो तो 15,000 करोड़ की एडवर्टाइजिंग का मिनिमम लॉस हुआ होगा इस वजह से। अब ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, यानी कि हर एक मीडिया को या हर एक एरिया में बराबर से हो, कई जगह पे ज़्यादा असर होगा, कई कम होगा। जैसे सिनेमा घरों में बहुत ज़्यादा असर होगा क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा सिनेमा गोइंग हैबिट को वापस आने में, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इनक्लोज्ड एयर कंडीशन जगह में जाने के लिए लोग डरेंगे, बट धीरे धीरे होपफुली वो भी ठीक हो जाएगा, बट उससे ज़्यादा समय लगेगा। डिजिटल रिलेटिवली कम इम्पैक्ट होगा, बल्कि डिजिटल में कई जगह हैं जो जहाँ थोड़ा सा बढ़ गया है। अब जैसे ई कॉमर्स की, कोई जो इसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए ई कॉमर्स है, गेमिंग आप देखिए, अब सब लोग घर बैठे हुए हैं कुछ, तो ये गेमिंग, मोबाइल गेमिंग बहुत बढ़ रही है, तो रिलेटिव इम्पैक्ट सबको होगा, डिजिटल में भी होगा बट रिलेटिवली कम होगा। टेलीविजन में व्यूअरशिप बढ़ रही है, हालांकि एडवर्टाइजिंग है नहीं, वो एक तो बड़ा स्ट्रेंज सा सिचुएशन है कि डिजिटल में
बहुत लोग आ रहे हैं, टेलीविजन में व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ रही है, कई आ रही है जो पुराने पुराने सीरियल्स लाए हैं, मेथोलॉजिकल सीरियल्स, उसमें इतनी बढ़िया व्यूअरशिप आ रही है, पर एडवर्टाइजिंग ही नहीं है जो उसे पूरा कर सके। प्रिंट का जो है एक बड़ा प्रिकेरियस सिचुएशन है, क्योंकि एक ट्रेंड पहले ही शुरू हुआ वो था, प्रिंट पहले भी थोड़े से प्रेशर में था, इंग्लिश ज़्यादा, इंग्लिश न्यूज़ ज़्यादा प्रेशर में थी, इंग्लिश प्रिंट रीजनल लगभग थोड़े बेटर पोजिशन में था, पर एक ट्रेंड डेफिनेटली शुरू हुआ हुआ था कि थोड़े से ग्रोथ स्लो हो गई थी। इंडिया में हम एक बड़े प्राउडली कहते थे कि इंडिया ओनली मेजर एडवर्टाइजिंग मार्केट है वर्ल्ड में। मेजर एडवर्टाइजिंग मार्केट डिफाइन की जाती है $10 बिलियन, लगभग आप समझिए 75,000 करोड़। ये पहला साल था जो हमने मेजर एडवर्टाइजिंग मार्केट बनना था, पहला साल था जो हमने 75,000 करोड़ करना था, इस अब मुश्किल ही लग रहा है, बट खैर ओनली मेजर एडवर्टाइजिंग मार्केट हुई थी जहाँ हर मीडियम में ग्रोथ हो रही थी, हालांकि डिफरेंट रेट्स पे। डिजिटल में 25 हमारी डैन डिजिटल रिपोर्ट के हिसाब से 27% का कैगर चल रहा था, टेलीविजन में 11-12% की ग्रोथ हो रही थी, प्रिंट में स्लो थी, आउटडोर में 6-7% थी, पर ग्रोथ हर एक में हो रही थी। अब इस कोविड की सिचुएशन के बाद, इस इतने बड़े क्राइसिस के बाद, ये जो ट्रेंड था ये और एक्सेलरेट हो जाएगा। तो अगर प्रिंट में डिजिटल और प्रिंट को मिला के ना देखा जाए, और अगर थोड़ी सी इनोवेशन ना हो, तो ये हो सकता है कि जो स्लिपेज का ट्रेंड था वो और भी इंक्रीज हो जाए। इसलिए प्रिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही क्रूशल पीरियड आने वाला है, जहां प्रिंट न्यूज़पेपर्स को सब कुछ रिकंसिडर करना पड़ेगा। अभी तक आप देखें मोस्ट न्यूज़पेपर्स की स्ट्रैटेजी इंडिया में यही रही है कि कवर प्राइस कम होती है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर से कम रेवेन्यू आता है, और एडवर्टाइजिंग के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं। इसी तरह से कई डिजिटल चैनल्स हैं, इसी तरह से कई टेलीविजन चैनल्स हैं। अब जब एडवर्टाइजिंग का जो पॉट है, जो यूनिवर्स है, अगर वही श्रिंक हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि उन जो भी सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर डिपेंडेंट है उन पे ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। जिन्होंने डाइवर्सिफाई किया हुआ है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन और एडवर्टाइजिंग का बेटर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, या डिजिटल किया है जिसमें उनको कुछ सब्सक्रिप्शन आ जाती है एक्सेट्रा, उन्हें थोड़ा सा बेहतर लगेगा। ऑल इन ऑल ये कई पार्ट्स एडवर्टाइजिंग के, आप जैसे इवेंट्स ले लीजिए, आउटडोर ले लीजिए, वो तो धंधा लगभग जीरो हो गया। अगर इवेंट होगा ही नहीं तो आप, अभी लोग आएंगे ही नहीं एक जगह पे, तो आप इवेंट क्या करोगे, इवेंट नहीं करोगे तो कमाई क्या करोगे। आउटडोर जब लोग आउट ऑफ होम जा ही नहीं सकते, तो फिर वो आउटडोर लगाने का ही आपको क्या फायदा। तो कई पार्ट्स हमारे बिजनेस के बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं, कई जल्दी बाउंस बैक करेंगे, कई लेट बाउंस बैक करेंगे, बट ये मैं ऑलमोस्ट सर्टेनली कह सकता हूँ कि ऐसा कोई पार्ट एडवर्टाइजिंग या मीडिया का नहीं रहा होगा इंडिया में जो बैडली इम्पैक्टेड, जो इम्पैक्टेड ना हुआ हो, कोई बहुत बैडली इम्पैक्टेड, कोई कम बैडली इम्पैक्टेड। बट फिर भी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हर एक क्राइसिस में कोई लर्निंग आती है, होपफुली हमने थोड़ा एफिशिएंट होने की आदत हो। अभी मैंने जिंदगी में कभी वर्क फ्रॉम होम नहीं किया था, कोई शायद ही मैंने ऑफिस का दिन कभी कभी बीमारी में भी नहीं मैंने मिस किया था, 100 out of 100 times मैं ऑफिस में जाता था। पर अब आपको जब फोर्सफुली वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, तो आप कर ही रहे हो, ठीक ठाक हो ही रहा है, तो फिर आप सोचोगे कि भाई इतने बड़े ऑफिस बनाने की क्या ज़रूरत है, क्या हम, तो कई चीज़ें हैं जो हमें सब कुछ रीथिंक करना पड़ेगा, और कई चीज़ें टेम्परेली इम्पैक्ट होंगी, हो सकता है कई चीज़ें परमानेंटली इम्पैक्ट हो जाए, बट हम काफ़ी रेजिलियंट हैं। ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी अगर आप मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से देखें, तो इससे बेहतर कोई इकोनॉमी नहीं रहेगी जो ग्रो होगी। हालांकि ये एक बहुत बड़ा धक्का है हमारे लिए, बट हम बाउंस बैक पहले करेंगे, सबसे ज़्यादा करेंगे। तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में मैं काफ़ी बुलिश हूँ ऑन द इंडियन इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी बेहतर होती है तो बाय एंड लार्ज एडवर्टाइजिंग उसके साथ बेहतर होती है, बट डिफिकल्ट पीरियड अगले 4-6 महीने डेफिनेटली डिफिकल्ट पीरियड रहेगा। इसमें वीक प्लेयर्स और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में गैप बढ़ता जाएगा, कई वीक प्लेयर्स शायद सब्सिस्ट भी ना कर सकें, और कई स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स, हो सकता है कई वीक प्लेयर्स को खरीद लें, तो एक कंसोलिडेशन का फेज आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए काफ़ी चेंजेस होंगी, बट आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि वी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर, बट इट विल टेक टाइम। Those are some of my initial thoughts. इधर ट्रेंड देखा जा रहा था, can you hear me, sir? Yes, I can hear you. ट्रेंड देखा जा रहा था कि जापान ये हर चीज डिजिटल की तरफ शिफ्ट कर रही थी, डिजिटल की पाई धीरे धीरे बढ़ रही थी, और काफी लोगों का सोचना था कि ये धीरे धीरे काफी बढ़ेगी और बहुत अच्छी चलेगी।
तो क्या ऐसा हो, ऐसा है कि ये कोविड की वजह से ये चेंज कैटेलाइज हो जाए बहुत तेजी से? जी अगर अगर डिजिटल फर्ज करें कि 10% ग्रो करने वाला था, तो वो अचानक 20 या 40% ग्रो करे ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर मीडियम? जी मैं परसेंटेज तो नहीं बोल सकता, डिजिटल 27% में ग्रो कर रहा था, इस साल शायद 8 या 10% ग्रो करेगा, पर फिर भी शायद डिजिटल ही एक मीडियम होगा जो ग्रो करेगा, बाकी तो और कोई ग्रो करेंगे नहीं, तो इसलिए इम्पैक्ट सबको होगा, डिजिटल को भी होगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड बोल रहे हैं तो मेरे हिसाब से यस, ये काफ़ी इसको इसमें स्पीड आएगी और डिजिटाइजेशन में, हम ये कई साल से कह रहे हैं। अगर आप जानते होंगे डेंसू एजेस नेटवर्क में जी जी ओवरऑल अगर आप एडवर्टाइजिंग पाई देखें तो इंडिया में रफली 19-20% डिजिटल है, बाकी टेलीविजन प्रिंट वगैरह वो है। हमारी एजेंसी में लगभग 50% 47-48% रेवेन्यू जो है वो डिजिटल से आता है। लगभग हमारे 3,700 लोगों में से 2100-2200 लोग डिजिटल में ही काम करते हैं, तो इसलिए हम ओवरवेट हैं डिजिटल में, तो इसलिए मैं मेरा व्यू थोड़ा सा मतलब वो हमारा व्यू था, तो हम वो पहले ही वो रूट फॉलो कर रहे थे, बट डेफिनेटली इससे वो एक्सेलरेट हो जाएगा, क्योंकि जब ये खुलना शुरू होगा क्लाइंट भी जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग मांगेंगे, उन्हें मतलब ब्रांड बिल्डिंग वो सब समझ आती है, वो ठीक है, वो चंद क्लाइंट आप छोड़ दीजिए बट बाकी क्लाइंट वो बोलेंगे ठीक है यार ब्रांड बिल्ड होता रहेगा, पहले तो सेल कराओ कि पैसा आए कि मैं माल खरीदूं और नया माल बनाऊं, तो एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस के ऊपर सर्च परफॉर्मेंस ये इस पे एक आएगा, तो आप देखेंगे कि पहले वो सबसे पहले आना शुरू होगा, तो डिजिटल की एक्सेलरेशन जरूर मेरे ख्याल आगे जाके बढ़ेगी। और दूसरा क्या ट्रेंड होगा कि जब पैसा आदमी के पास कम होता है ना, आप अपने ही देखिए एज अ कंज्यूमर देखिए, जब आपका बहुत पैसा है आप बोलते हो यार कोई नहीं 100-200 एक्स्ट्रा दे दिए कोई बात नहीं, आप शेर बन जाते हो, जब आपका पैसा कम होता है तो आप एक एक रुपए को गिनते हो, ठीक। अब इस वक्त सबके पास पैसा कम होगा, चाहे आप बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी है, बड़ा एडवर्टाइजर है छोटा एडवर्टाइजर है, 1 रुपए की वैल्यू अब आपके लिए ज्यादा होगी जो आप एडवर्टाइजिंग में डालेंगे, इसलिए आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांगेंगे, आप अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। पिछले 100 साल से हमारा एडवर्टाइजिंग का मॉडल चेंज नहीं हुआ, अगर मैं अखबार में एड डालता हूँ बेसिकली आप क्या बेचते हो, आप स्पेस बेचते हो, राइट, इनफैक्ट स्पेस सेलर ही बोलते हैं रोल को भी, तो हम पिछले 100 साल से वो चेंज नहीं हुआ कि हम स्पेस सेल करें, या टेलीविजन में आप स्पॉट बेचते हो 30 सेकेंड ले लिया या कर लिया, तो बेसिकली हम स्पेस बेच रहे हैं। अब वो आगे जाके वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंट बोलेगा बॉस आप मुझे 50 CC दो 100 CC दो, मेरे को उससे कम फर्क पड़ेगा, मैंने आपको 100 रुपया दिया, आप मेरे को उसको 200 रुपए का बेनिफिट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो और कैसे दे रहे हो वो मेरे को प्रूफ करो। तो अकाउंटेबिलिटी जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, उस पे अगर मैं क्लाइंट हूँ तो मैं भी ये मांगूंगा कि मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, बस मुझे आप बताओगी इसमें 200 मिलेंगे, नहीं तो मैं नहीं खर्च करता क्योंकि मेरे पास पैसे है ही नहीं इस वक्त, तो मैं कैसे करूँ, ठीक है। तो वो जो है उससे ये पूरा मॉडल चेंज हो जाएगा और डिजिटल इसको बेहतर अडॉप्ट कर सकता है इस मॉडल को। आई थिंक अगर प्रेस प्रिंट मीडियम एजाइल हो तो वो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ले सकता है, क्योंकि एक चीज इस पीरियड ने हमें दिखा दी है कि सबसे बड़ी न्यूज़पेपर के एसेट क्या है, सबसे बड़ा मुझे नहीं लगता आपकी प्रिंटिंग प्रेस आपका सबसे बड़ा एसेट है, या आपका ब्रांड नेम भी आपका सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ा आपका एसेट है आपकी क्रेडिबिलिटी, क्योंकि आज की डेट में न्यूज़ कोई भी चाहे न्यूज़ चैनल हो न्यूज़पेपर हो कोई भी हो, आज की डेट में फेक न्यूज़ का एक ऐसा माहौल है कि हर एक आदमी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियाँ खुली हुई है ना, जहाँ पे आपकी सारी एजुकेशन आजकल व्हाट्सएप पे हो रही है बजाय इसके कि न्यूज़पेपर आर्टिकल से या से, तो हर एक आदमी एक क्रेडिबल सोर्स से न्यूज़ चाहता है जिसे उसे पता हो कि इस पे क्रेडिबिलिटी का छाप लगा हुआ है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं अग्री करूँ या नहीं कर अग्री करूँ एटलीस्ट फैक्चुअली मुझे पता है कि ये ठीक है ये चीज़, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है न्यूज़पेपर्स को, क्योंकि अभी भी रिटन वर्ड का इंडियन कल्चर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट, कुछ भी हम बोलते हैं पहले आप लिखित में दे दो हमको, राइट, तो जो रिटन वर्ड का ना हमारे कल्चरली हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है, इसके ऊपर न्यूज प्रिंट मीडिया को कैपिटलाइज करना है। अभी मेरा दिन नहीं शुरू हो सकता जब तक मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूं, मैं 4 न्यूज़पेपर पढ़ के बिना घर से निकलता नहीं हूँ, ये हैबिट है, बट नॉट नेसेसरली कि नेक्स्ट जनरेशन में ये हैबिट हो या हर एक में हो, बट जो मैं सारी डिजिटल न्यूज देखता हूँ, मैं सारा टीवी का देखता हूँ, बट जो मैं प्रिंट में पढ़ता हूँ ना वो समहाउ चाहे मैंने डिजिटल में पढ़ा हो फिर भी प्रिंट में देख के मैं एक बार रेटिफाई करता हूँ ऑलमोस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर उसको प्रिंट मीडियम कैपिटलाइज कर ले डिजिटल के साथ
डिजिटल में एक इमीजेसी है, डिजिटल में एक डिफरेंट टाइप ऑफ रीच। अभी आप न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे कई जगह पे क्योंकि कोविड की सिचुएशन की वजह से, बट आप उसको डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये अभी प्रिंट एंड डिजिटल देखना बंद करना पड़ेगा, प्रिंट और डिजिटल देखना बंद करना पड़ेगा, प्रिंट एंड डिजिटल इसको एक तरह से देखना पड़ेगा। तो उससे मेरे ख्याल में आगे काफी चेंजेस आएंगे। दूसरा प्रश्न एक मेरे ध्यान में आ रहा है, इस दौरान लोगों का इंगेजमेंट हर मीडिया में बढ़ा है, अखबार को भी ज्यादा टाइम मिल रहा है, टीवी को भी ज्यादा टाइम मिल रहा है, डिजिटल में भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, फोन से लेकर के हर चीज में। तो क्या आगे आने वाले समय में इसका इंगेजमेंट का लाभ मीडिया को मिलेगा, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है और एडवर्टाइजिंग बजट कम हो रहे हैं, तो क्या रिकवरी होगी इसकी? नहीं, रिकवरी जरूर होगी, बट ये जो टेम्पररी टाइम बढ़ा है वो हमेशा इतना बढ़ा रहेगा नहीं, क्योंकि अभी सब लोग घर में बैठे हैं और कुछ करने को नहीं है, तो आप टीवी देखोगे या ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, वो तो नॉर्मलसी जब आएगी तो ये धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। बट इंगेजमेंट जो आप कह रहे हैं वो सबसे हाईएस्ट इंगेजमेंट एक चीज देखिए कि न्यूज मीडियम में है इस टाइम पे। आप चाहे फिल्म देखते हैं या और जीसी का प्रोग्राम देखते हैं या कुछ और पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, बट इन जो क्राइसिस का मोमेंट होता है या कोई इवेंट जैसे इलेक्शन हो गए, उस हो गए, जो वो हाईएस्ट इंगेजमेंट लेवल होता है इस वक्त। अगर आप एक बच्चे को भी पूछो ना, उसको लव अग्रवाल का नाम पता है जो हेल्थ सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, किसी को नहीं पता होगा ये। अगर आप 1 लाख कॉमन मैन से अगर आपने कोविड से पहले पूछा होता, किसी को उसका नाम नहीं पता होता कि कौन है। आज लोग वेट करते हैं कि वो 4 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो पता चलेगा कि कितने नंबर हुए हैं या क्या हुआ। तो इंगेजमेंट लेवल और इन्वॉल्वमेंट न्यूज में इतनी ज्यादा है लोगों की, अगर न्यूज मीडियम इसको कैपिटलाइज कर सके, बोथ न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन, तो आई फील न्यूज मीडियम अंडर सेल्स इटसेल्फ, उसमें एक बहुत बेहतर वो हो सकता है। एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज कि समहाउ न्यूज मीडियम टेलीविजन एंड प्रिंट में सारा फोकस रहता है एक दूसरे को काटने का, ये फोकस नहीं रहता। अगर एज एन इंडस्ट्री अभी आप टेलीविजन देखिए, मैं बहुत न्यूज चैनल्स देखता हूँ, सिर्फ न्यूज मैं एज ए कंज्यूमर बहुत बड़ा न्यूज का कंज्यूमर हूँ। मैंने उस दिन काउंट किया था, 16 न्यूज चैनल्स बोल रही है कि हम इंडिया में नंबर वन चैनल हैं, तो देयर आर 16 नंबर वन चैनल्स इन दिस थिंग। अभी IRS का डेटा आया है, आजकल तो बंद है, आप देखना थोड़े दिन में कम से कम 10 लोग बोलेंगे कि हम नंबर वन है। तो डेटा ऐसी चीज है, आप किसी को किस तरह से भी स्लाइस एंड डाइस करके दिखा दो तो आप नंबर वन बन सकते हो। बट ये इतना हाई एंगेजमेंट मीडियम है कि अगर आप सब मिल के ये मीडिया प्लानर्स को, मीडिया बायर्स को और क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा एजुकेट करो कि बस इसमें क्लाइंट जो कंज्यूमर है बहुत इंगेज्ड है, उसकी भी एक वैल्यू होती है, चाहे थोड़ी रिसर्च करनी पड़े बिसाइड्स रीडरशिप, और भी रिसर्च हो सकती है जो ये इंगेजमेंट को प्रूव करे। इसलिए न्यूज एज अ मीडियम आपको देखना चाहिए। तो एक एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर आ जाए जिसमें सारे न्यूज़पेपर्स इकट्ठे होके न्यूज एज अ जॉनर को प्रमोट करें, ऑफकोर्स इट्स अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड, यू हैव टू कम्पीट एंड यू विल हैव टू से कि आप बोलेंगे ना भारत सबसे अच्छा है, टाइम्स ऑफ इंडिया बोलेगा टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा है, हिंदुस्तान टाइम बोलेगा हिंदुस्तान अच्छा, वो दैट्स फाइन, दैट कॉम्पिटिशन मस्ट बी देयर, बट देर कैन बी अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वेयर एवरीबडी कम्स टूगेदर एंड सेज वी आर इन अ जॉनर वेयर द इंगेजमेंट विद द कंज्यूमर इज एट इट्स हाईएस्ट एंड दैट हैज अ वैल्यू टू इट, एंड वो अगर आप लेके एजुकेट करेंगे तो आई थिंक थोड़ा सा माहौल चेंज हो सकता है। आपने वक्तव्य के दौरान यह कहा था विज्ञापन जो है वो काफी हद तक अपने यहाँ सेंटिमेंट्स पे निर्भर करता है, अगर हमारा मूड अच्छा है तो विज्ञापन अच्छा होगा, क्योंकि आप बाकी सारे देशों को भी देख रहे हैं तो जो इम्पैक्ट COVID-19 का भारत में हो रहा है मीडिया और एंटरटेनमेंट पे, बाकी देशों में भी हो रहा है, तो क्या सिमिलर पैटर्न पर ही वहां भी रिएक्शन होगा या उधर डिफरेंट होगा सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग और हमारे यहाँ डिफरेंट होगा? आई थिंक हमारा रिस्पॉन्स एज अ कंट्री थोड़ा एग्जैजरेटेड होता है, हम इमोशनल लोग हैं, मुझे ऐसे लगता है हमारा रिस्पॉन्स हर चीज में पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी थोड़ा ज्यादा ही होता है उसमें। ओवरऑल ट्रेंड पूरी दुनिया में यही सिमिलर है, जैसे कोविड हुआ, जैसे बिजनेसेस बंद हुए, सब जगह एडवर्टाइजिंग गिर गई। अब कई कंट्रीज है जो हमारे से आगे हैं, जैसे चीन में पहले हुआ था बट उनकी रिकवरी भी पहले हुई है। कई बड़े स्ट्रेंज फिनोमिनन देखने को मिल रहे हैं। आपने अर्मेस करके HERMES एक बड़ा लग्जरी ब्रांड है दुनिया का, उन्होंने जो पहले दिन शंघाई में और बीजिंग में जो उनकी दुकान खुली थी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया था कि एक दिन में एक दुकान में $2.7 मिलियन की सेल हुई थी,
2.7 मिलियन डॉलर आप समझ लो, समझो 20 करोड़ की एक दुकान में एक दिन की, 18-20 करोड़ की एक दुकान में एक दिन में सेल हुई थी, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है रिवेंज बाइंग। इतने दिन से लोगों को बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जैसे ही वो खुला, पर्टिकुलरली जो रिच लोग थे उन्होंने जाके मतलब एक तरह से भड़ास निकाली अपनी, आप समझ लीजिए। तो ऐसे कई फिनोमिनन है जो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, कई हैं, और वो आप देखिएगा कुछ हद तक इंडिया में भी होगा, नॉट नेसेसरली लग्जरी आइटम में, बट कई अभी मोबाइल फोन आप ले लीजिए, हैंडसेट, पिछले 2 महीने में कितने लोगों के हैंडसेट खराब हो गए होंगे, कितने लोगों ने लेने होंगे। जिस दिन ये खुलेगा, नॉर्मल खुलेगा, आप देखिएगा सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों के हिसाब से मोबाइल फोन बिकेंगे, चाहे शॉर्ट पीरियड के लिए हो। तो ये एक रिवेंज बाइंग का है। तो ये सेंटिमेंट बहुत रोल प्ले करता है, इंडिया में ये थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेट हो जाता है, लगभग ओवरऑल ट्रेंड सेम है, बट हम थोड़े डाउन टाइम में ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं, बट और जब बेटर टाइम आता है तो हम थोड़े शेयर भी ज्यादा बन जाते हैं। तो ये थोड़ा एग्जैजरेट हो जाते हैं जो पीक्स हैं, पीक्स एंड ट्रॉफ्स हैं इंडिया में। सर जैसे जैसे हम लॉकडाउन खुलने की ओर बढ़ रहे हैं, हम सब लोग न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि देयर विल बी न्यू नॉर्मल आएगा, न्यू नॉर्मल के रूप से रहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि फैंसी ऑफिसेज की जरूरत रहेगी कि नहीं रहेगी। आप क्या सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री के कंटेंट में किस तरह के चेंज आएंगे? सॉरी मैंने लास्ट बिट नहीं सुना, एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में किस तरह के कंटेंट में क्या चेंज है? देखिए पहले तो क्या होगा कि यू नो जैसे आप एडवर्टाइजिंग फिल्म्स का देख लीजिए, 3-3 करोड़ की, 4-4 करोड़ की फिल्में बनती थी, 6 महीने में एक लग रहे हैं एक फिल्म बनाने में। अब जब लॉकडाउन हुआ, जब आपको ऑप्शन नहीं हुआ, तो घर से बैठ के आपने 1-2 लाख, 5 लाख में भी फिल्में बना ली, और काफ़ी अच्छी बना ली, कहीं काफ़ी अच्छी चल गई। तो इसलिए जो कॉन्टेंट है, एंड सेम चीज़ कॉन्टेंट में भी होगी, जो मेगा वेरी एक्सपेंसिव कॉन्टेंट है वो होगा, ज़रूर होगा, बट वो थोड़ा रह जाएगा। बट जो यू नो क्राउड सोर्स कंटेंट या इजीली क्विकली प्रोड्यूस कंटेंट, कंटेंट का लाइफ स्पैन भी कम हो रहा है। अगर आप एडवर्टाइजिंग के हिसाब से देखें तो पहले हम एक कैंपेन बनाया करते थे और वो 6 महीने साल लगते थे बनाने में, और फिर 1 साल वही कैंपेन चलती रहती थी। अब वो टाइम नहीं रहा, आप रियल टाइम मार्केटिंग में आ, इसलिए आप एक मैग्नम ओपस बना सकते थे, 2-3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की प्रोडक्शन करके एक बड़ा सा बना सकते थे, क्योंकि वो 1 साल चलेगी वो फिल्म, उसके पीछे आप 50 करोड़ मीडिया का लगा दोगे। अब वो टाइम नहीं रहा, अब क्या है कि इमीडिएसी का ज्यादा इम्पैक्ट है, रियल टाइम मार्केटिंग, जो आज का माहौल है, जो 1 महीने पहले का माहौल था और जो आज का माहौल है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपने कैंपेन उस समय बनाई है, ऑलमोस्ट सर्टेनली वो इस समय नहीं चल सकती, राइट? तो अब ये है कि आप जल्दी से जल्दी कितने एजाइल हैं, कितना क्विकली करंट सेंटिमेंट को करके कितने फास्ट आप वो कॉन्टेंट ला सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड सेम चीज एंटरटेनमेंट में भी आएगी, कई बड़े शोज या बड़ी प्रोडक्शन या बड़ी फिल्म्स रहेंगी, बट बहुत सारी ऐसी आ जाएंगी जो बड़ी क्विक टॉपिकल और यू नो फास्ट मूविंग एजाइल हो जाएंगी मेरे हिसाब से। बहुत सारे इंडस्ट्री के प्रोफेशनल आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके स्किल सेट में किस तरह का चेंज एक्सपेक्ट करते हैं, या चेंज आएगा, या किस तरह के इम्प्रूवमेंट स्किल सेट में उन्होंने लाना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे? देखिए मैं अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करता हूँ कि अब मैं अपने करियर के एंड की तरफ आ रहा हूँ, मेरी 55-56 साल की उम्र है, जो हमने सीख लिया वो लगा लिया और उसको बढ़ा और शार्पन कर लिया, बट जो आगे की जनरेशन अभी आएगी उनको हर 5 साल में अनलर्न करके फिर रीलर्न करना पड़ेगा। जो आप आज सीख रहे हैं, अभी हमें डिजिटल बिल्कुल नहीं आता था, मैं 25 साल का था जब मैंने पहली बार कंप्यूटर देखा था MBA की क्लास में, मेरे बच्चे 2 साल के या 3 साल के वो पैदा होते हैं एक तरह से कंप्यूटर के साथ, राइट? तो हम डिजिटली नेटिव जनरेशन से नहीं है, तो हमारे लिए एक लर्निंग प्रोसेस था उसको अडेप्ट करना, बट हमारे पास टाइम था, हमने कर लिया, कईयों ने बेटर कर लिया, कईयों ने नहीं कर लिया। अब क्या होगा कि अगले जो आने का समय है, हर 5 साल में आपको जो भी आपने लर्न किया हुआ है, सबसे मुश्किल चीज होगी कि आपको वो अनलर्न करना पड़ेगा, क्योंकि क्या नई चीजें आएंगी वो आज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे पहले बोलते थे ना आप इंग्लिश और मैथ्स और ये सीख लो, अब आपको बोलना पड़ेगा कि भाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख लो, या कोई अब वो नॉर्मल, अभी कल को क्या पता कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग ही एक नॉर्म बन जाए, इसलिए स्पीड ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग एजिलिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी. हमारा बिजनेस, अगर आप एडवर्टाइजिंग और मीडिया का बिजनेस देखें, हम बोलते हैं हम बहुत क्रिएटिव हैं, हम बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग हैं. 100 साल में हमने कुछ चेंज नहीं किया. 100 ईयर्स अब वो भी यही मॉडल था. एक एजेंसी थी, वो 15% लेती थी, वो क्रिएटिव बनाती थी, वो न्यूज़पेपर को ऐड देती थी, न्यूज़पेपर उसको इतने स्क्वायर सेंटीमीटर है उसमें छाप देता था. 100 साल बाद भी आज कुछ चेंजेस हुई हैं, पर लगभग वही चल रहा है. ठीक है, उस वक्त भी कोई तरह से रीडरशिप एस्टिमेट कर लेते थे, अभी भी कोई तरह से कर लेते हैं. उस तरफ भी बोलते थे इतनी सर्कुलेशन है, आज उसके बियॉन्ड हम 100 साल में गए नहीं हैं. अब वो लग्जरी नहीं रहेगी, पर धीरे धीरे सब कुछ इम्प्रूव हुआ है. जो जरूर, जो आज से मैं अगर 30-35 साल पहले देखूँ, जो मैंने करियर शुरू किया था, जो रिसर्च थी और आज है, जमीन आसमान का फर्क है, वो बात नहीं है. बट ये 30 साल में चेंज हुई है, 33 साल में चेंज हुई है, राइट. बट जो आगे स्पीड ऑफ चेंज है वो इतनी फास्ट हो जाएगी कि अगर आप स्पीड नहीं बढ़ा सकेंगे चेंज की, तो आप पेरिश हो जाएंगे. इसलिए स्किल सेट्स बहुत फास्ट लर्न और अनलर्न होने पड़ेंगे, और इंडस्ट्री को भी बहुत एजाइल होना पड़ेगा मेरे हिसाब से. सर, रेडियो ये धीरे धीरे बहुत तेजी से ऊपर आने वाला माध्यम था, मीडियम था. इस माध्यम में क्या परिवर्तन देखते हैं आप पोस्ट कोविड? रेडियो देखिए, मेरे हिसाब से रेडियो एक बहुत ही स्ट्रांग मीडियम है. अगर आप देखें तो इंडिया में रेडियो की रीच सबसे पहले, क्योंकि ये किसान गांव में भी, मैं अभी FM से भी पहले की बात कर रहा हूँ, जो ऑल इंडिया रेडियो में, जो ऑल इंडिया रेडियो के स्टार्स होते थे, वो उनकी आवाज़ से वो कहीं पे भी पहचाने जा सकते थे. एक किसान अगर गाँव में भी खेती कर रहा होता था, तो उसका सिर्फ रेडियो ही एक साधन होता था, जिससे उसे दुनिया की न्यूज़ का, उसके आसपास की न्यूज़ का वो सब पता हो. और रीच भी उसकी काफ़ी थी, मतलब हर जगह पे रेडियो पहुंचा हुआ होता था लगभग अफोर्डेबल. जब ट्रांजिस्टर्स आए रेडियो के बाद, हर जगह वो अफोर्डेबल भी होना शुरू हो गया था. बीच में रेडियो बिल्कुल ख़त्म हो गया, फिर FM से थोड़ी सी रिवाइवल और तरह से दूसरी तरफ से शुरू हुई, क्योंकि वो एक बड़ा लोकलाइज्ड और अर्बन सा मीडियम बन गया. कार्स में लोगों ने स्टूडियोज लगाए एक्सेट्रा. बट ये एक ऐसा मीडियम है जो मुझे लगता है कि बहुत अंडर एक्सप्लॉयटेड है, बहुत पुअरली मार्केटेड है. इसमें सबसे ज़्यादा जो रेडियो की स्ट्रेंथ है कि वो एक बहुत लोकलाइज्ड मीडियम हो सकता है. आज जो ट्रेंड आप देखिए, इवन न्यूज़पेपर्स में भी अगर आप देखिए, आप क्यों इतने एडिशंस बनाते हैं, क्योंकि जो लोकल अगर मैं आज मेरठ में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे नेशनल न्यूज़ में ज़रूर इंटरेस्ट है, मुझे दुनिया की न्यूज़ में भी इंटरेस्ट है, बट मुझे ये पहले देखना है कि मेरठ में क्या हो रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है. लोकल न्यूज़ में क्योंकि उसका मेरे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, इंटरेस्ट लेवल बहुत ज़्यादा होता है लोगों का. एंड रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो वो न्यूज़ भी प्रोवाइड कर सकता है, और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है, और साथ में एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है, एंड रिलेटिवली बहुत अफोर्डेबल है. तो इसलिए मेरे हिसाब से इसमें पोटेंशियल बहुत है. रेडियो भी डिजिटल होता जा रहा है, और आगे चल के शायद और भी डिजिटल हो जाएगा. और इसमें दो सेगमेंट्स निकलेंगे. एक अपर एंड के लिए निकलेगा, जिसमें बड़ी नीच सी कम्युनिकेशन होगी, जहां ब्रांड टेलेस का यू नो ब्लूज फेस्टिवल के बारे में बातचीत होगी, अंग्रेजी गाने आएंगे, उस तरह का होगा. और एक बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग का रोल होगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके एरिया में क्या सलाह होनी चाहिए. तो ये एक दो तरह के इसमें एरियाज निकलेंगे रेडियो में, अगर उसको ठीक से मार्केट किया जाए तो. आई थिंक बहुत अंडर मार्केट एरिया है रेडियो. हाँ सिंह सर, आशीष जी, एक और प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है. आजकल मीडिया इंडस्ट्री में और हेल्थ इंडस्ट्री में हर जगह लोगों का यह कहना है कि साहब संसार अपनी गति से चल रहा था, ये धूम केतु की तरह आया है. आप तो प्राणी शास्त्र के स्टूडेंट रह चुके हैं जूलॉजी के, तो जैसे जब वो धूम केतु टकराया था तो डायनासोर खत्म हो गए थे और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हुआ था. सो आर वी मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. आई विल टेल यू, एंड दिस विल हैपन इन एवरी पार्ट ऑफ आवर बिजनेस. इट विल डेफिनेटली हैपन इन द एजेंसी बिजनेस. लेट मी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एजेंसी बिजनेस. जो ग्रैंडफादर टाइप पुरानी एजेंसीज हैं, जो अभी तक ये बोल रही है कि हाँ डिजिटल है, बट वो प्रेजेंटेशंस के लिए ही है, वो मेन मीडियम नहीं है, ये वो बहुत जल्दी पेरिश हो जाएंगी चाहे कितनी भी बड़ी हो. तो ये एजेंसी साइड में होगा, या वो जो एजेंसीज हैं जो उसी तरह से काम कर रही हैं जो 100 साल पहले कर रहे थे, या 50 साल पहले कर रहे थे, या 10 साल पहले कर रहे थे, अगर वो आज कर रहे हैं तो वो भी
नहीं होगा। आज जो एजेंसीज में जॉब्स हैं, फर्ज कर लो 1000 जॉब्स हैं अगर आज एजेंसी में, आज से 5 साल बाद वो 1000 में से 500 जॉब्स नहीं रहेंगी। 500 जॉब, 50% जॉब्स एज दे एग्जिस्ट टुडे इन द एजेंसी बिजनेस, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वो आज से 5 साल बाद नहीं रहेंगी। कुछ या तो खत्म हो जाएंगी या चेंज हो जाएंगी, या ऑटोमेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी और चीज से सब्सटीट्यूट हो जाएंगी। बट एजेंसीज इतने फास्ट रैपिडली अडॉप्ट नहीं कर रही हैं, चेंज नहीं कर रही हैं उसमें। इक्वली सेम चीज मीडिया हाउसेस में हो रही है। आज से चंद साल पहले तक बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, क्योंकि मेरा, मैं MRUC का चेयरमैन रह चुका हूँ, मुझे और बहुत कई आपके न्यूज़पेपर के ओनर्स मेरे पर्सनल जान पहचान के दोस्त हैं और उठना बैठना है उनके साथ में, वो एक एक तरह से डिनाइल स्टेज में थे कि ये डिजिटल आएगा नहीं आएगा, हम तो न्यूज़पेपर हैं, हम तो 100 साल से हमारा मास्टर्ड है, दुनिया जानती है, हम ग्राउंड जानते हैं, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब उन्हें भी काफ़ी पता चल गया है कि डिजिटल से, कई उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि डिजिटल से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये जो ऐसे और ऐसे ही टेलीविजन में, ऐसे ही हर एक मीडियम में, ये जो ऐसे इवेंट्स होते हैं, सेमिनल इवेंट्स होते हैं, इनसे फॉर एवर कई चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले करते थे, आज से महीना दो महीना पहले करते थे, जो आप शायद कभी नहीं करोगे। हम बगैर सोचे समझे बैग उठाते थे और दिल्ली पहुंच गए, वो उठाया सिंगापुर पहुंच गए, उठाया लंदन पहुंच गए, ठीक है, एक महीने में 10 ट्रिप मार के आ गए। आप अभी कई सालों तक वो नहीं, इवन चाहे नॉर्मलाइज हो जाए, इवन चाहे वैक्सीन आ जाए, पहले तो आपको कहीं क्वारंटीन हो जाएगा, कहीं आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे, कहीं और कहीं आपके मन में डर बैठेगा, तो कई चीज़ें हैं जो आपकी परमानेंटली चेंज हो जाएंगी उसमें। कई चीज़ें हैं जो डिले हो जाएंगी, मे बी थोड़े साल बाद में फिर वापस आ जाएंगी, बट कई चीज़ें परमानेंटली चेंज हो जाएंगी। अभी डायनासोर्स क्यों पेरिश हुए थे? क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर सके थे, एंड जो अडेप्ट नहीं कर सकता, चेंज इज हैपनिंग, चेंज इज गोइंग टू हैपन, एंड इवेंट्स लाइक दीज एक्सेलरेट दैट पेस ऑफ चेंज। इफ यू आर गोइंग टू बी अनेबल टू अडेप्ट टू इट, देन आई एम अफ्रेड टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, राइट? वो आपके लिए रुकने वाले, दुनिया आपके लिए रुकने वाली नहीं है। आप दुनिया की चेंज के साथ कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं, कैसे उसके साथ धार में चल सकते हैं, उस पर डिपेंड होगा। नहीं तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, डायनासोर्स की तरह पेरिश हो जाएंगे। आप, मैंने जो आपको 50% जॉब्स का कहा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आज से आप 10 साल बाद देखेंगे 50% ऑफ एजेंसीज एंड 50% ऑफ मीडिया हाउसेज और मीडिया पब्लिकेशन एंड टेलीविजन व्हाटएवर दैट एग्जिस्ट टुडे 10 years फ्रॉम टुडे मे नॉट एग्जिस्ट इफ दे आर अनएबल टू अडैप्ट। वी आर इन वेरी हिस्ट्री में ये पीरियड्स आते हैं, कई कई जो हाई चेंज के पीरियड होते हैं, जैसे आज़ादी का पीरियड इंडिया के लिए एक बहुत हाई चेंज का पीरियड था, वर्ल्ड वॉर जब हुई थी वो एक हाई चेंज का, दुनिया के लिए एक हाई चेंज का पीरियड था। ऐसे कई एक पीरियड्स आते हैं जहाँ हाई चेंज होती है, ये मेरे हिसाब से ऐसा एक पीरियड है जो ये चेंज को एक्सेलरेट करेगा, और इसमें कोई बुरी या अच्छी चीज़ के बात नहीं है, ये तो हो रहा है, आप उसको कैसे अडॉप्ट करते हो, उसमें आप अपने आप को कैसे डाल लेते हो, उस पर सब डिपेंड करेगा। अच्छा सर, ये इवेंट्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये इवेंट्स ग्राउंड पे हुआ करते थे, कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले से कोशिश की इसे वर्चुअल वर्ल्ड में शिफ्ट करने की जी, लेकिन वो शिफ्टिंग अभी तक इम्प्रैक्टिकल है, हो नहीं पाई है, तो आगे आने वाले दिनों में क्या वही एक मार्ग बचेगा? या देखिए, आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड हमारे इंडस्ट्री में हुआ है, ओवरऑल अगर एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया इंडस्ट्री में देखें तो वो इवेंट्स का बिजनेस हुआ है। बिकॉज बाई डेफिनेशन इवेंट्स डेफिनेशन यही थी कि 50, 100, 1000, 10,000 लोग एक जगह पे इकट्ठे आते हैं, एक सोशल इवेंट होता है और सब जगह वो इकट्ठे होते हैं एक जगह में, और बाई डेफिनेशन ये डिजीज आपको या ये जो इन्फेक्शन है आपको वो करने नहीं देती, और ये तो कोई जल्दी चेंज होने वाली चीज़ है नहीं, इसलिए उसमें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। अभी वर्चुअल इवेंट्स डेफिनेटली एक ट्रेंड है, हमारी कंपनी ने चाइना में JLR का एक मॉडल लॉन्च हो रहा था, वो पूरा लॉन्च 30 घंटे लाइव था, वर्चुअल था, क्योंकि आप वर्चुअली हो सकता है क्योंकि अलाउड ही नहीं था वो इवेंट करना, और उनकी काफ़ी अच्छी ट्रैफिक वगैरह जनरेट हुआ, उनके वेबसाइट में सेल वगैरह भी हुई। अभी हमारी कंपनी फाउंटेनेट जो है, उन्होंने फॉर अ सोशल कॉज एक इवेंट किया था जिसमें बड़े बड़े लोगों का अबाउट 52 करोड़ ऑफ रुपीज़ इकट्ठा हुआ, सब आपने देखा होगा, माधुरी दीक्षित वगैरह सब इन्होंने गाना वगैरह गाया था जिससे, और लोगों ने डोनेशन दी थी, तो एक वर्चुअल इवेंट था वो, ऑफ कोर्स एक सोशल कॉज की वजह से था। तो ऐसे वर्चुअल इवेंट्स
इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, बट वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता इतनी जल्दी इतने बड़े इंडस्ट्री के लिए। इसलिए वो इंडस्ट्री को अपने आप को पूरा रिकास्ट करना पड़ेगा, नई रियलिटी को माइंड में लेके, सोशल डिस्टेंसिंग को माइंड में लेके। कुछ पार्ट उसका ऑन ग्राउंड होगा, कुछ पार्ट उसका वर्चुअल होगा, ऐसे नए मॉडल्स इवॉल्व करने पड़ेंगे, बट ये एक इंडस्ट्री का पार्ट है जो काफी समय तक काफी इम्पैक्टेड रहेगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि प्रिंट पे काफी जबरदस्त इम्पैक्ट रहेगा ओवरऑल एडवर्टाइजिंग पे, तो इसमें नेशनल मीडिया और रीजनल मीडिया में थोड़ा अलग अलग इम्पैक्ट होगा, नेशनल विल बी मोर इफेक्टेड और रीजनल विल बी मोर इफेक्टेड। I think more than national or regional, English will be more impacted because English has, you know, India में जो internet आया पहले, जो India में roughly आप देखिए तो 450 million के करीब लोग हैं internet पे, तो जो पहले 400-450 million थे वो सिर्फ English, largely English speaking थे, therefore the most of the content on internet was English, and that and digital started cannibalizing on print much faster because it was English. अभी धीरे अब जो नेक्स्ट 100-200 million लोग आएंगे इंटरनेट पे अगले 3 साल में, मेरी स्टडी हमारी स्टडीज के डेंसिटी एजेस नेटवर्क के हिसाब से 3-4 साल में 150-200 million लोग आएंगे इंटरनेट पे। अब ये बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता से नहीं आएंगे, ये सब आएंगे छोटे गांव से शहरों से, तो देयरफॉर वो लैंग्वेज के ऊपर आएंगे, लैंग्वेज स्पीकर्स होंगे, वर्नैक्युलर स्पीकर्स होंगे। वो जब आएंगे तो उसका इम्पैक्ट फिर रीजनल मीडिया को भी पड़ना शुरू होगा, इसलिए उससे पहले रीजनल मीडिया को बजाय डिजिटल को एक एनिमी समझने के, डिजिटल को एक फ्रेंड समझ के उसे अपने साथ लेके चलना होगा। सो इट विल बी प्रिंट एंड डिजिटल, नॉट प्रिंट वर्सेस डिजिटल। अगर आप देखें अभी जब न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, फिर भी न्यूज़ तो सब पढ़ ही रहे हैं, व्हाट्सएप में आपके पास आ जाता है या कोई लिंक आपको भेज देता है, आप उसमें पढ़ रहे हैं, तो आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है वो है कि आप ग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल मैनर में दे सकते हैं। अब किस मीडियम से आप डिसेमिनेट करते हैं, हो सकता है वो मीडियम आपको चेंज करना पड़े, उसको हाइब्रिड बनाना पड़े, इसलिए वो अडैप्टेबिलिटी आपको डालनी पड़ेगी टू सर्वाइव। तो आशुतोष जी, एनी मोर क्वेश्चंस? सर, एक छोटा सा प्रश्न और आपसे करूंगा। आपने कहा आपने अपने पूरे जीवन में कभी भी घर से काम करने का प्रयास नहीं किया, इवन बीमारियों में भी आपने कभी ऑफिस को मिस नहीं किया। अभी आपको अचानक इतने दिन घर पर रहकर काम करना पड़ा है, तो कुछ तो आपके जहन में आया होगा, कुछ तो नया अनुभव हुआ होगा, उसी में से थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। जी, बहुत कई चीजें मैंने अपनी फैमिली के साथ इतना समय इकट्ठे कभी भी नहीं बिताया जो अभी बिताने का मुझे मौका मिला है। एक आपका कम्यूटिंग टाइम बच जाता है, बट जो अडेप्टेबिलिटी होती है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड कई चीज़ें होती हैं जो बगैर फेस टू फेस मिले नहीं हो पा रही हैं अभी भी। मतलब मैं अभी आपको वीडियो में देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बातचीत कर रहे हैं, बट इट्स नॉट द सेम एज, एंड मे बी आई एम अ लिटिल ओल्ड फैशन्ड ऑन दैट कि हम एक ही टेबल में बैठे हों और सामने सामने चाय पी रहे हों, तो इसलिए मेरे लिए ये एक तरह से एडजस्टमेंट फेज है, बट ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है और हमें इसे अडैप्ट करना चाहिए। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्लेटफॉर्म पे, नव भारत के प्लेटफॉर्म पे आने का, और नव भारत के पाठकों को अपनी बहुमूल्य राय और इस मार्गदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।